दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। सामुद्रिक शास्त्र सुना होगा शब्द, ये बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं समझता हूँ कि नई चीज़ होगी बिल्कुल। ये मानव शरीर के लक्षण देख के व्यक्ति के बारे में बताना, उसका व्यवहार, उसका आचार विचार, उसका ज्ञान, उसकी समृद्धि, उसकी सफलता, उसका चारित्रिक विशेषताएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, इन सब चीज़ों का समावेश सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से किया जाता है। देखिए, जो उद्देश्य है सामुद्रिक शास्त्र का, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो सामुद्रिक शास्त्र विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि शरीर का हर अंग बोलता है, हर अंग परिलक्षित करता है अलग अलग गुणों को व्यक्ति के। और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके सीड्स हैं, जो इसके महारथी हैं, जो इसके मर्मज्ञ हैं, वो शरीर को देख के, शरीर के अंगों को देख के, शरीर के अंगों की भाषा पढ़ के व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, अनेकों चीज़ें बता सकते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है जो सामुद्रिक शास्त्र है, अंग लक्षण के अनुसार ये सब चीज़ें, शुभाशुभ की संभावनाएं, हमारी जो भी हमारी संभावनाएं हैं वो सब इंगित करती हैं, हमारी भाषा शरीर की कर्मठता बताती हैं, सफलता बताती हैं, जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे भविष्य सुंदर बने, कैसे अच्छे चरित्र का निर्माण हो। ये बेसिकली उद्देश्य, और ये एकाध दिन का नहीं है, ये सदियों से चला रहा है, सदियों से। हमारा जब से लिखित साहित्य मिलता है तब से तो हम देखते ही हैं। देखिए, और ये हम भारत वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, चाहे वो यूनान हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो इथोपिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, कोई भी वर्ल्ड का कंट्री हो, कहीं ना कहीं शारीरिक लक्षणों को देख के व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करना एक बहुत आम बात है। और जो हमारे सीड्स हैं, देखिए, अगर हम इनको नहीं मानते, इन सब चीज़ों को, हम अपने ऋषियों की, अपने महर्षियों की, हमारे जो और गुणीजन हैं हमारे, चाहे वो इंडियन फिलोसफर्स हों या वो फॉरनर्स हों या ये किसी भी देश के हों, उससे मतलब नहीं है। उनकी बातें, उनकी बातों में हकीकत, सत्यता टटोल के ही तो हम सब बातें कहेंगे ना, कुछ हम हवा में कुछ फेक बातें तो नहीं कर रहे। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल महाकवि कालिदास, वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, पराशर, और फिर इसके अलावा जो हमारे और जो हमारे हिप्पोक्रेट्स हैं, जो हमारे वराहमिहिर, तो हमारे कही गए पितामह हमारे अकल साइंस किसके, अत्रि ऋषि, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, गर्ग ऋषि, कात्यायन ऋषि, तो इन लोगों ने, एक दो नहीं सैकड़ों लोगों ने माना सामुद्रिक शास्त्र को, और उन्होंने कहा कि इनके लक्षण देख के व्यक्ति के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां करी जा सकती हैं। उसमें व्यक्ति की ऊंचाई हो सकती है, उसमें भार हो सकती है, उसमें चाल ढाल हो सकती है, उसमें रंग हो सकता है, उसमें स्थिरता हो सकती है, उसमें स्वर हो सकता है, उसमें प्रकृति हो सकती है, उसमें आकृति हो सकती है। तो कुल मिला के जो शास्त्रकारों ने ये तत्व निर्धारित करे सामुद्रिक शास्त्र के, कुल 13 तत्व बैठते हैं टोटल अगर देखा जाए, मगर एक में कालांतर में फिर उन्होंने एक गंध तत्व को और जोड़ दिया, तो इसमें इस प्रकार जोड़ के क्या हुआ, 14 तत्व हो गए जो इंडिकेट करते हैं अलग अलग विशेषताओं को व्यक्ति की। दोस्तों, मैंने इसमें बहुत स्वाध्याय किया, इसमें देखा, तो जो मैं कंक्लूजन में पहुंचा, एक एक्सट्रैक्ट निकालता है ना आदमी की चीज़ों में से, तो मैंने देखे कि जो हमारे सैकड़ों हजारों चीज़ें मैंने बताया नहीं, मैंने 13-14 तत्व तो बताए, इसके अलावा हर अंग, रोम रोम व्यक्ति का जो भाषा है वो कहता है, मगर क्या है, वो एक कोडिंग फॉर्म में है, उसको डिकोड करने की ज़रूरत है, और जिसने उसको डिकोड कर लिया वो पारंगत हो गया सामुद्रिक शास्त्र में। 7 स्वर्णिम नियम देखे जाते हैं, अगर इनको अमल करता है, देखिए, अगर इनको अमल करता है
तो मैं समझता हूँ कि चरित्र निर्माण के लिए, सुंदर भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायुशील के लिए, सब चीज़ों को क्लब करके, यानी कि दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक तीनों सुखों की प्राप्ति के मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं अगर हम इन स्वर्णिम नियमों का पालन करते हैं। ये परिलक्षित करते हैं, देखिए क्या क्या चीज़ें, ये सूक्ष्म में मैं बता देता हूँ। सामुद्रिक शास्त्र देखने में बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म सा एक विषय लगेगा, मगर अगर इसमें हम पेनिट्रेट करेंगे, इसमें अंदर जाएंगे, तब दिमाग चकराने लगेगा कि इतना विस्तृत, इतना विशाल, इतना अनंतानंद। तो वो उसमें से सूक्ष्म सात तत्व, सात स्वर्णिम नियम, सात सिद्धांत जो मैंने देखे, मैंने देखा कि अगर ये लक्षण व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष में, किसी भी व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं अगर, तो समझिए वो चरित्र का, अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, अच्छे अच्छे भाग्य का व्यक्ति है, उदार है, समृद्ध है, सफल है अपने जीवन में, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, महत्वाकांक्षी है, अच्छा है, सौ बातों की एक बात। ये देखिए सात नियम जो आते हैं, ये शरीर के पांच अंग बताए हैं जो दीर्घ होने चाहिए। इनमें बताया है बाहु, नेत्र, कुक्षी, नासापुट्ठ, नाक के जो हमारे नेस्टल्स हैं, और वक्षस्थल, ये दीर्घ होना चाहिए। जो शरीर के हमारे चार अंग हैं हमारे बॉडी में, ये सामान्य से छोटे हों तो बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें जैसे ग्रीवा, जैसे कर्ण, जैसे पीठ और जैसे जंघा, ये चार चीज़ों में बताया है कि शरीर में जितनी सामान्य से छोटी होंगी उतनी सुंदरता दर्शाएंगी व्यक्ति की। शरीर के छह अंग विशेष रूप से ये उन्नत होने चाहिए, इसमें नाक है, इसमें नेत्र है, इसमें ललाट है, इसमें भ्रुकुटी है, इसमें मस्तक है, इसमें हृदय है हमारा। शरीर के पांच अंग ये सूक्ष्म होने चाहिए, उंगलियों के विशेष रूप से पर्व, भ्रुकुटी, केश, नाखून और हमारे चर्म। शरीर के सात अंग शरीर में, जो हमारे बॉडी, हमारे पूरे शरीर में, ये सात अंग रक्तिम वर्ण के होने चाहिए, यानी कि लालिमा लिए हुए होने चाहिए। करतल हो, पदतल हो, नाखून हो, तालु हो, जिह्वा हो, होठ हो और नेत्रों के छोर हो। आप देखिए ना, किसी फिजिशियन को देखिए आप, पहले अब तो टाइम ही नहीं है फिजिशियंस के पास, नहीं तो पहले एक एक चीज़ अंगों से वो गुण देखते थे व्यक्ति की, अंगों से रोग निदान के लक्षण तलाशते थे वो, हाथों में लालिमा है नहीं है, आँखों की लालिमा है कोरों में या नहीं आँखों में, तो इन सब चीज़ों से तलाशते थे ये चीज़ें। छठा जो हमारा नियम है, तीन तत्व गंभीर होने चाहिए हमारे, उसमें हमारा स्वर तत्व है, उसमें हमारा बुद्धि तत्व है और उसमें हमारा नाभि तत्व है। नाभि तत्व का मैंने एक बहुत अच्छा वर्णन किया था कि एक लयबद्धता होनी चाहिए हमारे सांस निश्वास में, हमारा जो सांस का आना जाना है वो नाभि से लेके, और कैसे जा रहा है अंदर सांस और कैसे आ रहा है सांस, इसकी लयबद्धता, इसमें एक हारमोनी, इसमें एक तारतम्य, अगर ये है व्यक्ति में तो व्यक्ति के लक्षण बहुत अच्छे माने जाएंगे इस चीज़ को सामुद्रिक शास्त्र में लेके। शरीर के तीन अंग विस्तीर्ण होने चाहिए, मस्तक, ललाट और वक्ष स्थल। दोस्तों ये वो नियम हैं, अगर इनको देखिए हम इनको पालन करें तो इसको हम व्यक्ति के चरित्र के बहुत सारी चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं, उसका व्यवहार, उसका उदारता, उसका ज्ञान, उसकी समृद्धि, उसकी सफलता, उसकी प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी बातें गोपाल राजू यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता है। और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, 1% भी मैं कहता हूँ कि अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।